उदाहरण 19, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर अनंत तक वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल आकृति बनाई गई है। 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है, जहां पाई का मान 22/7 लीजिए। हल, हम जानते हैं कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की लंबाई पाई आर होती है। इसलिए 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई होगी पाई 0.5 धन पाई गुणा कोष्टक में 1.0 धन पाई कोष्टक में 1.5 धन पाई कोष्टक में 2.0 धन। अंत में पाई 6.5 कोष्टक में बराबर पाई 0.5 को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें कोष्टक के अंदर प्राप्त होगी संख्या 1 धन 2 धन 3 इसी तरह से अंत में धन 13 कोष्टक बंद बराबर पाई गुणा 0.5 कोष्टक बंद। और हम जानते हैं कि चूंकि 1 धन 2 धन 3 धन अंत में 13 एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है सर्व अंतर जो है वह भी 1 है और पदों की कुल संख्या 13 है और n पदों का योगफल हम जानते हैं n/2 कोष्टक में 2a धन n-1 गुणा d कोष्टक बंद। यह सूत्र में हम यह सूत्र को यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे तो n हमारे पास 13 है बटा 2 सर्पाकार कोष्टक में 2a का मान 1 है धन n का मान है 13 - 1 कोष्टक बंद गुणा d का मान हमारा सर्वांतर 2 में से 1 गया तो 1 प्राप्त होता है। ये सर्पाकार कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद बराबर पाई कोष्टक में 0.5 कोष्टक बंद और 13/2 और उसी तरह से छोटा कोष्टक में 2 एकम 2 और धन 13 में से 1 को घटाएं तो 12 × 1 = 12 छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद बराबर पाई कोष्टक में 0.5 और इसी तरह से हमारे पास प्राप्त होगा 13/2 और गुणा 12 और 2 का योग 14 छोटा कोष्टक बंद पाई और इसी तरह से कोष्टक में 0.5 कोष्टक बंद या 2 को हम 14 से काटेंगे 2 एकम 2 2 7 14 और 13 7 91 इसे हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे बराबर पाई का मान हमें 22/7 लेना है प्रश्न अनुसार और 0.5 को हम 5/10 के रूप में लिख सकते हैं 10 से गुणा करेंगे अंश और हर में तो ये बदले संख्या 0.5 5/10 हो जाएंगी गुणा 91
और इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 143 सेंटीमीटर। इसीलिए इस तरह क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है, यह इस उदाहरण का हल होगा। हमने सीखा, पहला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला समांतर श्रेणी कहलाती है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या स्मॉल डी जोड़कर प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या स्मॉल डी को इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। यदि प्रथम पद स्मॉल ए है तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है ए, ए धन डी, ए धन टू डी, ए धन थ्री डी और इसी प्रकार आगे। दूसरा, संख्याओं की एक दी गई श्रृंखला ए वन, ए टू, ए थ्री और इसी प्रकार आगे समांतर श्रेणी होती है। यदि अंतरों ए टू ऋण ए वन, ए थ्री ऋण ए टू, ए फोर ऋण ए थ्री और इसी प्रकार आगे से एक ही यानि बराबर मान प्राप्त हो, अर्थात ए के धन एक ऋण ए के का मान एक ही हो, जहां के बराबर एक, दो, तीन और इसी प्रकार आगे। तीसरा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी हो तो इस समांतर श्रेणी का एनवा पद होगा ए एन बराबर ए धन कोष्टक में एन ऋण एक गुणित डी। इस एनवे पद को ही समांतर श्रेणी का व्यापक पद जनरल टर्म कहते हैं। चौथा, यदि स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी समांतर श्रेणी में हैं तब कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए धन स्मॉल बी पूरे के बटे दो और कैपिटल ए स्मॉल ए तथा स्मॉल बी का समांतर माध्य कहलाता है। दो राशियों स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच एन पद कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री और इसी प्रकार कैपिटल ए एन इस प्रकार ले कि स्मॉल ए, कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री और इसी प्रकार कैपिटल ए एन स्मॉल बी समांतर श्रेणी में हो तो श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए, अंतिम पद स्मॉल बी और पदों की संख्या एन प्लस टू होगी। छठवां, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होता है। पहला, Sn बराबर n बटे दो बड़े कोष्टक में दो गुणित a धन छोटा कोष्टक n ऋण एक गुणित d बड़ा कोष्टक बंद। दूसरा, Sn बराबर n बटे दो बड़े कोष्टक में a धन l बड़ा कोष्टक बंद, जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वांतर डी, पदों की संख्या एन और अंतिम पद एल है।